नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आप लोगों के साथ हम एक श्रृंखला तिथियों के ऊपर हमारी चल रही थी, उसी के अंदर आज एक अगला संकलन, एक अगला खंड तृतीय तिथि के ऊपर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हर तिथि, क्योंकि ये चंद्रमा के द्वारा तिथियां शासित हैं, तिथियां का निर्माता, तिथियों का निर्माता चंद्रमा है, इसीलिए यदि तिथि कहीं भी किसी भी प्रकार से क्षीण अवस्था में है तो इसका दोष चंद्रबल पे लगता है। जन्मांक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सूर्य, चंद्रमा और लग्न। इसी को त्रिपुरा सुंदरी का वास भी कहा गया है, अर्थात ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा भौतिक शरीर है, आप लोगों का देह है, ये सब देवी भगवती के द्वारा शासित उसी का ही रूप है, इसी के अंदर त्रिपुर वास करता है। आज की तिथि तृतीय तिथि, और तृतीय तिथि के बारे में आज चर्चा आरंभ कर रहे हैं हम। तृतीय तिथि क्या है, किस प्रकार से तृतीय तिथि के गुण फल ज्योतिष शास्त्र में देखे गए हैं, उसके ऊपर सूक्ष्म खंड। मुख्यतः तृतीय तिथि की अधिशास्त्र देव देवी कही गई हैं, देवी भगवती कही गई हैं। मुख्यतः तृतीय तिथि एक जया तिथि कहलाती है, 3, 8 एवं त्रयोदशी जया तिथियां कहलाई, लेकिन तृतीय तिथि पहली जया तिथि है। तृतीय तिथि के अधिपति देव या किस देवता के अधिपति के अंदर ये आती है तो देवी की तिथि है, किंतु किस देवी भगवती के विशेष रूप के अंदर ये शासित होती है तो देवी नित्य क्लीना इसकी अधिशास्त्री विशेष देवी है। जैसे पहले कहा था कि षोडश देवियां हर तिथि के ऊपर शासन करती हैं। क्या महत्वपूर्ण है इसके अंदर, ऐसा समझें, या क्या तिथि को प्रारंभ करते ही, तिथि सामने आते ही ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, दृष्टांत हो रहा है जिससे समझें कि इस जातक के ऊपर तृतीय तिथि के गुण भरपूर हैं। क्योंकि ये देवी की तिथि कही गई है तो स्वाभाविक है संवरने का शौक, संवरने की रुचि, अपने आप को सौंदर्य प्रदान करने की रुचि, बनने की रुचि इन जातकों के अंदर स्वाभाविक रूप से देखी जाती है। इसके साथ साथ इसमें मंगल के भी गुण हैं, क्यों, क्योंकि ये जया तिथि है तो कामनाएं भी तृतीय तिथि के साथ जुड़ी हुई हैं, अर्थात तृतीय तिथि के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग कामनाओं से भरपूर हैं, सजने का संवरने का उनके अंदर विशेष रुचि देखी गई है, ऐसा मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। तिथि में दोष है तो किस प्रकार से उसको यहीं पे समझना चाहिए कि कैसे उसको परिहार करना चाहिए, तो कन्या पूजन करें, अर्थात छोटी कन्याओं को, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को सदैव सम्मान करना चाहिए जिससे तिथि के दोष और ना आगे बढ़ें। तृतीय तिथि के दो रूप हैं, क्योंकि हर तिथि
दो खंडों में विभाजित है। खंड अर्थात एक कृष्ण पक्ष तृतीया और एक शुक्ल पक्ष तृतीया। कृष्ण पक्ष की तृतीया लक्ष्मीवान है, अर्थात इसके अंदर लक्ष्मी का वास है, शोभा है, सज्जा है, धन है, भाग्य है। एवं शुक्ल पक्ष की तृतीया जातक के ऊपर धर्म निभाने वाला, वचन निभाने वाला स्वभाव बनाती है, अर्थात इनके अंदर कर्तव्य की भावनाएं भरी रहती हैं। तृतीया तो देखिए दोनों ही तरफ है, एक शुक्ल तृतीया है और एक कृष्ण तृतीया है। एक में लक्ष्मीवान है और एक में धर्मणी है, धार्मिक है, कर्तव्य निभाने वाली है। इसके साथ साथ और इस पे थोड़ा आगे चलें, तृतीया तिथि के दिन, अभी पीछे काफ़ी हमारे मित्रों ने दग्ध तिथि, दग्ध राशि आदि के बारे में कहा गया। तृतीया तिथि के दिन सिंह राशि, सिंह राशि एवं मकर राशियां दग्ध राशि के अंतर्गत आती हैं। दग्ध राशि के बारे में आने वाले किसी खंड में चर्चा करेंगे, वर्तमान में केवल इतना ही समझें कि तृतीया तिथि के दिवस में सिंह और मकर दग्ध राशियां कहेंगी। साथ ही यदि तृतीया तिथि मंगलवार के दिन उदय हो तो सिद्ध तिथि योग कहलाता है। अब ये सिद्ध तिथि योग क्या है, अर्थात जो जातक मंगलवार के दिन दिवस पे तृतीया तिथि के साथ जन्म लिया है, उनके सब कार्य ईश्वर की कृपा से अपने आप ही बनते चले जाएंगे। एवं यदि तृतीया तिथि बुधवार के दिन उदित है तो अमृत नामक योग कहलाता है, अर्थात ऐसे जातक किसी के साथ, किसी के पास जब भी बैठेंगे तो उसको अमृतत्व प्रदान करेंगे, एवं स्वयं भी अपने कार्यों से इस प्रकार से समाज में बने रहते हैं कि उनका नाम सदैव ही स्मृतियों में बना रहता है। अभी कुछ समय पहले एक सुंदर एक व्याख्यान सुनने को मिला, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि हमने पहले ना सुनी हो, किंतु कभी कभी किसी बात का अर्थ भिन्न प्रकार से भी समझ आता है। आचार्य सामने बैठे हुए उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान श्री राम ने जितने लोगों का उद्धार किया उनके नाम ने उनसे भी ज़्यादा लोगों का उद्धार किया। इसी प्रकार के गुण अमृत नामक योग में देखने को प्राप्त होते हैं, अर्थात यदि जातक बुधवार के दिन तृतीया तिथि में जन्म ले तो इनको अमृत नामक योग की प्राप्ति होती है और इनका नाम सदैव ही स्मृतियों में लोगों के बना रहेगा। और आगे चलें, देवी, इसके अधिपत्य देवी जो 16 देवियां हैं उनमें से देवी नित्य कलीना इसकी अधिशास्त्री देवी हैं, जिनके अंदर नमता अर्थात आर्द्रता, गीलापन छुपा हुआ है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये जया तिथि है, मंगल इसके देव हैं, ग्रह हैं, क्षमा कीजिएगा, ग्रह हैं, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर नमता, गीलापन भी छुपा हुआ है।
इसका अर्थ क्या है। मंगल का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था, अर्थात भगवान शिव का जो पसीना धरती पे गिरा, इस धरती धरा पृथ्वी पर गिरा, वही मंगल का रूप बना। तो इसीलिए इस की जो देवी है वो ये बता रही है कि इसके अंदर स्नेह प्यार भी बसा हुआ है। आप ये भी देखेंगे अक्सर कई बार जो लोग बहुत ही ज़्यादा सख्त स्वभाव के, कठोर स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर प्रेम बहुत भरा हुआ होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि एक नारियल बाहर से दिखने में सख्त कठोर किंतु अंदर से नर्म और पोषण देने वाला है। तो तृतीय तिथि के अंदर भी ऐसे ही गुण विद्यमान है। इस तिथि का पूजन या इस देवी का पूजन या इस तिथि पे इस देवी का पूजन प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ प्रेम कहा गया है, स्नेह नहीं कहा गया, प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए इस देवी का पूजन किया जाता है। तृतीय तिथि का संबंध तीसरे भाव से भी है, तृतीय तिथि का संबंध तीसरे भाव से भी है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव ही साहस का भाव है और तृतीय तिथि मंगल के द्वारा जया तिथि कहलाई गई, इसलिए तृतीय तिथि का संबंध तीसरे भाव से भी है और तीसरे भाव का संबंध सातवें से एवं ग्यारहवें भाव से भी है। क्योंकि 3, 7, 11 ये आपस में त्रिकोणीय भाव हैं, अर्थात प्रेम को सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए देवी नित्य क्लीना का पाठ तृतीय तिथि के दिन करने से काफ़ी अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। तृतीय तिथि मूलतः स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर शासन करती है, या ये कहें कि तृतीय तिथि के दिन पूजन करने से स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर जागृति आती है। स्वाधिष्ठान मेरा खुद का स्थान, वही मेरा स्व अधिष्ठान, स्व मतलब मेरा, अधिष्ठान मेरे द्वारा शासित स्थान, ये तृतीय तिथि के गुणों में आता है। क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र एक ऐसा चक्र है जो व्यक्ति को पोषण प्रदान करता है, इसीलिए स्वाधिष्ठान मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर एक एक चक्र के ऊपर मुख्य रूप से देवी शासन करती है। लेकिन केवल ये कहा जाए कि तृतीया स्वाधिष्ठान पे ही शासन करती है, ये थोड़ी अधूरी बात है, इसकी चर्चा आगे भी की जाएगी। स्वाधिष्ठान के अलावा, स्वाधिष्ठान से अलग कंठ पे भी इसका कुछ संख्या में, कुछ मात्रा में वास होता है, अर्थात जब स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा हो तो तृतीय तिथि के दिन ध्यान लगाने से स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्वाधिष्ठान संबंधी रोगों के, व्याधियों के लिए सहायता प्रदान होती है। इस प्रकार हमने देखा कि तृतीय तिथि अपने आप में क्या एक एक करके गुण सूत्र लेके बैठी हुई है। अंत में शास्त्र क्या कह रहा है कि तृतीय के दिन नमक का सेवन ना करें, लेकिन आज के वातावरण में नमक का सेवन ना करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि तृतीय तिथि के दिन नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, अधिक मात्रा में नमक का सेवन ना करें। इसके साथ साथ क्योंकि आज हमने
तृतीया के साथ साथ मंगलवार, भौमवार को भी हमने आप लोगों के साथ साझा करना है। तो मंगलवार के गुण क्या हैं? उग्र स्वभाव अर्थात कार्य के अंदर तीव्रता। मंगल के गुण ही अपने आप में सेनापति होने के कारण से नियंत्रण और मैनेजमेंट अर्थात किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, ये मंगल के गुण हैं। प्रतिवाद अर्थात इनसे किसी ने कोई प्रश्न किया तो ये चुप बैठ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले लोग प्रबंधन के धनी, मैनेजमेंट के धनी, प्रतिवाद के धनी अर्थात जो इनसे प्रश्न किया जाएगा उसका उचित मात्रा में तर्कसंगत उत्तर देने के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ हट भी बनी होती है। हट अगर सकारात्मक कार्यों में हो तो ये बहुत अच्छी है। जैसे हम आज ये निर्णय लें कि इस कार्य को हम करके ही पूरा उठेंगे तो ये हट है। ये सकारात्मक कार्यों में है तो बहुत ही अच्छा है, किंतु ये यदि नकारात्मक कार्यों में हो तो ये नुकसान या हानि दे सकती है। एवं इसके साथ साथ सम्मान पाने की चाह भी इसके अंदर बनी रहती है। ये मंगल के गुण हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर अधिक होता है, इसी कारण से हर काम के अंदर एक प्रकार का जोखिम लेना, दुर्गम कार्य करना मंगल के अधिपत्य में आता है। वारपति मंगल यदि बलवान स्थिति में हो तो जीवन में आने वाली विपदाओं को, प्राणों के ऊपर आने वाले संकटों को रक्षा प्रदान करता है। छोटी चर्चा, ज्योतिष में आपने भाग लिया, आपके साथ विभिन्न प्रकार के तथ्यों को, खंडों को तृतीया तिथि के साथ मंगलवार को जोड़ के हमने आपके साथ साझा किया। धन्यवाद, साधुवाद, खुश रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उपरांत चतुर्थी तिथि के ऊपर अगला खंड आप लोगों के साथ साझा करेंगे। खुश रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिएगा।